नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और आप देख रहे हैं विशाल खबर। पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे चैनल का अपडेट लगातार मिलता रहे। स्मार्टफोन लाइए और एक्सरे की फ़ोटो ले जाइए। जी हाँ, ये जुमला सुनने में किसी प्रोडक्ट को बेचने का फंडा लगता है, मगर हकीकत कुछ और ही है। सतना जिले के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल में एक्सरे के फिल्म का स्टॉक खत्म हो गया है। अब मरीजों को एक्सरे कराने के बाद उसकी फिल्म नहीं मिल पा रही है। सतना जिला अस्पताल प्रबंधन ने इसका तोड़ ये निकाला कि एक्सरे करने के बाद मरीज को स्मार्टफोन पर डिजिटल फिल्म की फ़ोटो कंप्यूटर स्क्रीन से खींचकर उन्हें दे दी जाती है। अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो यकीन मानिए, एक्सरे की तस्वीर आपको नहीं मिलने वाली है। मध्य प्रदेश के इकलौते नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड का दर्जा हासिल करने वाले सतना के सरदार वल्लभ भाई पटेल शासकीय जिला चिकित्सालय में मरीजों को एक्सरे के लाले पड़ रहे हैं। 400 बिस्तरों का यह हॉस्पिटल जिले का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। एक्सरे फिल्म उपलब्ध कराने वाली फर्म से रेट कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाने के बाद यह स्थिति बनी है। हालात ये हैं कि एक्सरे कराने के बाद मरीजों को उनके स्मार्टफोन में एक्सरे की फिल्म तस्वीर क्लिक करके दी जाती है, जिसे वो डॉक्टर को दिखाते हैं। नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट मिलने के बाद भारत सरकार अस्पताल को 5,000 रुपये प्रति बेड के मान से देती है। इस राशि का उपयोग मरीजों की स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च किया जाता है। अस्पताल के नैदानिक केंद्र का हाल यह है कि हर एक हफ्ते से फिल्म खत्म है, जिसके कारण मरीज तो परेशान हो ही रहा है, स्टाफ को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दरअसल ये कोई पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी एक्सरे की फिल्म खत्म हो जाने से इसी तरह मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। आपको बता दें, कुछ दिनों पूर्व सतना जिले के प्रभारी मंत्री विजय शाह ने जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया था और खामियां पाए जाने पर अधिकारियों को फटकार भी लगाई थी। इतना ही नहीं, इस वार्ड बॉय को सस्पेंड करने के आदेश भी दिए थे, मगर प्रभारी मंत्री के जाने के बाद जिला अस्पताल के हालात फिर उसी तरह हो गए हैं। बहरहाल अब यह देखना होगा कि जिला चिकित्सालय की व्यवस्था पटरी पर आती है या नहीं। रेखा त्रिपाठी जिला चिकित्सालय के CS बनकर के आई हैं, तब से जिला चिकित्सालय के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं।